राइट हैंड थंब रूल, क्या कहते हैं राइट हैंड थंब रूल? ये करंट का डायरेक्शन जिसमें होता है उस डायरेक्शन में अगर अपना थंब पॉइंट करेंगे, नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होता है जिस तरफ आपकी फिंगर्स फोल्ड हो रही है। हाँ, इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन आर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट देन कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स फिंगर्स विल डिनोट डायरेक्शन द ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर यही चीज हम कई बार कॉइल्स कॉइल के साथ यूज करते हैं या सोलिनॉइड के साथ यूज करते हैं, टोराइड्स के अंदर यूज करते हैं, तो वहां पे हम इसको पलट लेते हैं। इफ फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटरचेंजेबली दोनों तरीके से यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन है वैसे अप्लाई करते हैं। समझ में आया ये? इसके साथ और दो रूल्स आपने पढ़े होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यस सर। हाँ, क्या होते हैं बेटा? ऐसा वाला। हाँ जी, यस। तो लेफ्ट हैंड में क्या किया हमने? ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। ठीक है, यस सर। तो हाँ, कैसे बोलते हैं हम? इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट फोर फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यस। ठीक है, यस तो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड रूल को? जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसको फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस होगा वो लेफ्ट हैंड रूल बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जहां पर ये चीज हम देखते हैं? जितनी भी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है, उसमें क्या होती है, कॉइल वगैरह होती है, उसमें हम करंट पास करते हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, रोटेशन, हमें मोशन मिल जाती है। ठीक है, सो दिस वे वी आर एबल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, ऐसे ही राइट हैंड रूल है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में हम कहाँ देख रहे हैं ये अप्लाई हो रहा है? अब राइट हैंड रूल कहाँ काम करता है? ये इंडक्शन में काम करता है। कहाँ काम कर रहा है बेटा? इंडक्शन में काम करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में से अगर मैं किसी कंडक्टर को मूव करा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड में से अगर किसी कंडक्टर को मूव करा दूंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो सर इस लेफ्ट हैंड रूल में भी तो यही कर रहे थे ना? लेफ्ट हैंड रूल में करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, जबकि राइट हैंड रूल में कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जनरेटर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल यूज होते हैं वहां पे, और जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स की फंक्शनिंग है उसमें लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा बेटा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से इनकी वो याद कर देना। इफ वी स्ट्रेच थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड
perpendicular to each other in such a way that four finger represents the direction magnetic of magnetic field and thumb represents direction of motion. Then middle finger will indicate the direction of current induced in the conductor. ठीक है? Yes sir. हाँ तो ये right hand rule है Fleming's right hand rule. Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, right hand thumb rule. Common rules हैं ये याद होने चाहिए. Yes sir.